आओ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? पैर मुड़ गया। एक मिनट, अरे रुकिए ना, इसको दबाइए ऐसे। मैं ठीक हूँ सही, अभी अभी एंट्रेंस क्लियर हुआ है, डॉक्टर नहीं बनी हूँ। ओहो, आप तो कभी सुनते ही नहीं है। रुकिए सही, मैं ठीक हूँ। आप मेरी बात सुनिए प्लीज, इस पैर दीजिए। अरे दीजिए ना, कुछ नहीं हो। 2 मिनट बस, थोड़ा सा दर्द होगा बस। उसको छोड़ दो, छोड़ दो। आओ बस, गहरी सांस लीजिए। अब टोज हिलाइए, टोज हिलाइए। तो आप बात ही नहीं सुनते हैं। टोज हिलाइए, मूव करिए आगे पीछे। दर्द हो रहा है? फिलहाल तो नहीं हो रहा। देखा, अभी भी एंट्रेंस एग्जाम दिए है। ये लीजिए, कुछ नहीं हुआ था, बस नस खिंच गई। हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू विराट सर, आज का मेरा खास दिन आपने और भी खास बना दिया। मुझे मेरी सारी बचपन की यादें फिर से ताजा करा दी। सही, तुम इन छोटी छोटी चीजों से कितनी खुश हो जाती हो ना। और ये थैंक यू बोलना बंद करो। तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम खुश होती हो ना, मैं भी खुश हो जाता हूँ। और ऊपर से जो तुम्हारा रिजल्ट आया, उसके लिए कैंडी फ्लॉस और वो बलून्स, वो कुछ भी नहीं है। तुम तो इससे भी ज्यादा अच्छे गिफ्ट्स के हकदार हो। नहीं, मैं तो इसी में खुश हूँ कि आबा की बात सच हो गई और मेरी रैंक अच्छी आ गई। सिर्फ कमल सर के कहने से नहीं हुआ, इसमें तुम्हारी भी बहुत मेहनत है। आप कह रहे थे ना विराट सर कि मैं छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती हूँ। मेरे आबा हमेशा कहा करते थे कि वक्त ना नदी के पानी की तरह होता है, जो कभी रुकता नहीं है, कभी थमता नहीं है, बस आगे बढ़ता जाता है। और नदी के पानी को ना हम सिर्फ एक बार छू सकते हैं, क्योंकि वो तो आगे बढ़ता जाता है, लौट कर नहीं आता। इसीलिए जिंदगी का हर पल, हर लम्हा हमें एकदम खुशी से जीना चाहिए। मुझे भी नदी बहुत पसंद है सही, क्योंकि वो बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा जाती है। जैसे कि? जैसे नदी अपने बहाव से चट्टानें भी काट देती है, और ये इसलिए नहीं कि नदी के पानी में बहुत ज्यादा ताकत होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि नदी कभी हार नहीं मानती। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था ना, तो काकू साहब हम सबको नाग नदी के किनारे ले जाते थे। नाग नदी पता है ना, वो जिसके नाम से ये शहर का नाम नागपुर, अच्छा सॉरी, पता है, सॉरी। लेकिन फिर सम्राट और मैं वो नाग नदी के किनारे चले जाते थे, और फिर हम पत्थर फेंकते थे, और कंपटीशन शुरू हो जाता था कि किसका पत्थर ज्यादा दूर तक उछलता हुआ जाएगा। तुम चलोगे मेरे साथ नदी किनारे? नहीं मतलब, कमल सर ने तुम्हें वादा किया था, तुम्ही ने कहा था ना ये, कि जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो तुम्हें बाहर ले जाएंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी कमल सर ने मुझे दी है, तो उनका हर वादा निभाना मेरी जिम्मेदारी है ना, इसलिए। लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया विराट सर कि मैं आपके साथ बाहर घूमने जाऊंगी? मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए बोल रहा था सही। ठीक है, मेरे साथ नहीं चलना, कोई बात नहीं, किसी ना किसी के साथ तो जाना ही है। शिवानी बुआ के साथ चली जाओ, करिश्मा के साथ चली जाओ, तुम दोनों तो हम उम्र हो। मैं किसी के साथ भी चली जाऊं, वो खुशी महसूस कभी नहीं कर पाऊंगी जो अपने आबा के साथ जाने पर करती। जब भी मैं आपसे बात करती हूँ हमारी बहस क्यों हो जाती है? तुम झगड़ा किए बिना मुझसे बात कहाँ कर सकती हो? हाँ, मैं तो जंगल से आई हूँ ना, जंगली हूँ। आप ही शहर के सबसे सभ्य आदमी हैं। नहीं नहीं, मैं तो बहुत बुरा हूँ। इतने बुरे भी नहीं हैं आप। अच्छा चलो, अब तुम्हें पता चली गया है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। चलोगी मेरे साथ? लेकिन उषा मौसी भी साथ चल सकती है ना? क्यों? उषा मौसी क्यों? अरे क्योंकि आबा के प्लान में हम तीनों थे, और वैसे भी उषा मौसी मेरा परिवार है। मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूँ। ये तो आप डिसाइड करेंगे ना कि मैं आपका परिवार हूँ या फिर सिर्फ जिम्मेदारी। सही। हाँ? परिवार का मतलब ही जिम्मेदारी होता है। सही। तुम कमल सर के साथ ऐसी जगह पे आना चाहती थी ना, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज क्यों ना दिया जाए। ये भी आपकी जिम्मेदारी थी? नहीं, मेरा मन था तुम्हें खुश देखने का। लगता है तुम्हारी बीवी को इस घर में सबके साथ नहीं रहना विराट। तुम्हें उसके लिए एक नया घर ले लेना चाहिए। ये मेरा घर है पाखी, और मुझसे जुड़ा वो हर इंसान भी यहीं रहेगा मेरे साथ। आबा, आपके जाने के बाद ना मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं आपका सपना पूरा कर पाऊंगी। मुझे लगा था मैं गढ़चिरौली में कोई छोटा मोटा कोर्स कर लूंगी, या फिर शायद वो भी नहीं कर पाती। लेकिन विराट सर मुझे अपने साथ यहाँ ले आए ताकि नागपुर के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन करा पाए। एक मिनट, देख रहे हो आबा, विराट सर ने जो कहा था कर दिखाया ना। एक मिनट, हाँ। टाटा, आपकी बेटी का नया रूप। क्यों आबा बोलिए, लग रही हूं ना एकदम डॉक्टर सई जोशी, MBBS। हाँ कभी कभी ना मुझे विराट सर पे इतना गुस्सा आता है, लेकिन कभी कभी वो मुझे इतने अच्छे इंसान रखते हैं। वैसे उनकी अच्छाइयाँ देखकर ही आपने उन्हें मेरी जिम्मेदारी सौंपी होगी ना, है ना? आप कब आए? मैं तब आया जब कोई अपने आबा से मेरी तारीफ कर रहा था। आपकी बेस्ट फ्रेंड ने कहा है ना कि छुप छुप कर दूसरों की बातें नहीं सुना करते। हाँ, तो मैं कहाँ किसी की बातें सुन रहा हूँ। मैं तो ये मेरा ईयरफोन लेने आया था। हाँ तो लीजिए ना, मैंने कब मना किया है? तो दीजिए ना। हाँ, तुम्हारे गले पे लटका हुआ है। शर्ट? हाथ बाद में दे दूंगी, मैं कौन सा लेके भाग रही हूँ। नहीं, मुझे भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, बाद में दे देना, परेशान मत हो। सर थैंक यू एंड सॉरी। थैंक यू किस लिए? आज मेरे लिए आपने अपने घर वालों से जो जंग लड़ी है उसके लिए। और सॉरी? आपने मेरे लिए इतने सारे बलून्स दिलवाए थे और मैंने सब फोड़ दिए। सॉरी। बिल्कुल अजीब हो। अगर सॉरी बोलना था तो बलून्स क्यों फोड़े? तो और क्या करती? सबको शांत कैसे कराती? आपके घर वाले तो मुझे सुनाए जा रहे थे। तुम्हारे पास और कोई तरीका नहीं बचा था, इससे तुमने फटफट करके बलून फोड़ दिए, है ना? हाँ, तो मेरा आइडिया काम तो किया ना। काम तो किया।